नमस्कार दोस्तों, आज हम रेटिनल थिकनेस यानी अगर आपकी आंख की जो थिकनेस है, जो रेटिना की जो परत है उसमें सूजन या फिर धुंधली दृष्टि आपकी होती जा रही है, यानी आपको एक आंख से सही दिखता है और दूसरी आंख से आपको दूर की चीजें धुंधली दिखाई दे रही हैं, या फिर सूरज या चंद्रमा की तरफ या बल्ब की तरफ देखने पर गोल घेरे जैसी चीज दिखाई देती है, तो आपको एक बार आइज टेस्ट जो है वो करा लेना चाहिए। तो अगर ये आज का वीडियो इस उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों में जो रेटिनल थिकनेस है वो बढ़ गई है, उनको धुंधला दिख रहा है और पहिए जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन चोट लगने की वजह से हो सकती है, जैसे लड़ाई झगड़े के चलते धोखे से किसी ने या फिर थप्पड़ मारा है या फिर जानबूझ के मारा है और आंख में चोट लग गई है और आंख लाल पड़ गई है। पड़ने के बाद आपने मेडिकल स्टोर से कोई ड्रॉप लेकर वो डाल दी है तो वो कुछ समय के लिए आपको आराम मिल गया है, पर जो आपके पास में जो घेरा है वो यानी धीरे धीरे आपका जो बल्ब की तरफ आप देखते हैं या फिर सूरज की तरफ आप देखते हैं, चंद्रमा की तरफ आप देखते हैं, तो यानी सर्कल नुमा यानी धुंधला वो चीज़ दिखाई देती है और उसके आसपास जो सर्कल है, कहने का मतलब स्पष्ट आपको यानी नहीं दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है और दूर के अक्षर आपको एक जिस जगह पर, जैसे फॉर एग्जांपल राइट साइड की जो आंख है उसमें चोट लगी है तो इससे आपको धुंधला दिख रहा है और दूसरी आंख से साफ दिख रहा है, तो आपको पहले अपना जो आईज है वो टेस्ट करानी पड़ेगी जो आईज डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके पास। तो अगर आपको जैसे सूजन आँख के पर्दे पर आ चुकी है यानी रेटिना में जो थिकनेस है वो बढ़ गई है और लाल लाल जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, तो उसमें क्या है जो पेशेंट है उसको या तो उसने दवाई इस तरीके की खाई है जिस वजह से यानी उसकी आंख में सूजन आई है, दूसरा चोट लगने की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर एक्सरे यानी आंख का टेस्ट कराने पर इस तरीके की जो रेटिनल थिकनेस है वो जैसे सर्कल जैसा रेड फ्री जो दिख रहा है वो यानी उस जगह पर सूजन है, तो किस तरीके की हम दवा देंगे। तो आपने वीडियो तो आप देखते नहीं है, व्यू आते नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है कि जिन लोगों को जरूरत है वो वीडियो देखेगा, इसको नहीं है वो नहीं देखेगा। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके की ड्रॉप दें जिससे कि रेटिनल थिकनेस है वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाए और जो घेरे नुमा यानी आपको जो धुंधला दिख रहा है वो आपको स्पष्ट रूप से सही दिखने लगे और चश्मे की जरूरत ना पड़े, अन्यथा आपको दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि आपको हो सकता है काला मोतियाबिंद जल्दी हो जाए कम उम्र में या फिर मोतियाबिंद की समस्या हो जाए। तो इसके लिए मैंने 4 ड्रॉप पर वीडियो रेगुलर यानी लगातार मेरे 3 या 4 वीडियो इस आंखों के ड्रॉप के ऊपर थे। तो रेटिनल थिकनेस को ठीक करने के लिए पहले मैंने डोर्जालोमाइड एक आई ड्रॉप है, डार्जालोमाइड इस तरीके की आई ड्रॉप है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। दवा ड्रॉप का नाम बता देता हूं मैं, ENDOR नाम से आई ड्रॉप है, इसको आप मंगा सकते हैं। अगर आपको यानी काला मोतियाबिंद की समस्या है उस कंडीशन में, अगर काला मोतियाबिंद की समस्या नहीं है उस कंडीशन में भी आपको धुंधला हो सकता है, दिक्कत कई तरीके की प्रॉब्लम आपको झेलनी सामना करना पड़े, जैसे कि धुंधली दृष्टि, देखने में परेशानी और सर्कल जैसा दिखाई देना। अगर ये नहीं है, चोट की वजह से आपको रेटिनल थिकनेस बढ़ी हुई है और जो घेरे में लाल यानी आंख जो आंख है उसके अंदर जो सर्कल जैसा बना हुआ है रेड कलर का यानी वो सूजन है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं बता दूं 3-4 ड्रॉप आपको लेनी होगी। पहली जो ड्रॉप है उसका नाम है ओटोसिन डी ड्रॉप, तो ओटोसिन डी ड्रॉप के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, आप चाहे जैसे वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा उसमें तो सारी डिटेल होगी किस तरीके का इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, क्या मार्केट रेट है, तो आप ओटोसिन डी ड्रॉप लीजिए, दिन में एक एक बूंद
यानी सुबह शाम इसको डालिए। दूसरी ड्रॉप जो है पिक्सलुब मल्टी नाम से आई ड्रॉप है, तो पिक्सलुब मल्टी आई ड्रॉप भी आपको सुबह शाम एक एक ड्रॉप यानी बूंद जिस आँख में दिक्कत है उस आँख में आप डालिए। और दूसरी यानी जो अगली जो ड्रॉप है उसका नाम है क्यू क्विन ब्रोम नाम से एक आई ड्रॉप आएगी, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, 4-Queen-Brom नाम से ड्रॉप आएगी, इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। तो इस ड्रॉप को भी आपको कुछ अंतर से, जैसे आपने पहले ओटोसिन डी ड्रॉप डाली फिर 5 या 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपको पिक्सलुब मल्टी ड्रॉप जो है वो डालनी है जिस आँख में प्रॉब्लम है उसमें, दूसरा दोनों आँख में डाल सकते हैं अगर आपको जो जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उसके मार्गदर्शन के अनुसार, या फिर प्रॉब्लम वाली आंख में आपको ये दवा डालनी है। दूसरा 4-Queen-Brom आपको 15 मिनट के बाद ही आपको दिन में दो बार डालनी होगी, फिर आप देखेंगे कम से कम 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको जो आपकी धुंधली दृष्टि है वो ठीक होने लगेगी और आपकी रेटिनल थिकनेस जो है वो क्या कहते हैं ठीक हो जाएगी और जो रेड सर्कल है वो भी कम होने लगेगा। तो आप कहने का मतलब यही है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो ये चारों ड्रॉप ये पांचों ड्रॉप है किस तरीके से डालनी लेनी है वो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और एक कंडीशन में ये दवा शायद काम करें या ना करें, अगर किसी के में आपने आग का पौधा देखा हुआ यानी अकौए का पौधा बोलते हैं, अगर उसकी बूंद चली जाए तो उस कंडीशन में भी रेटिनल थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है और आंखों में वो सर्कल बन जाता है। इसके लिए तुरंत आप आईज स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनको दिखाएं, अन्यथा आपकी 3 या 4 अगले दिन से जैसे अकौए का दूध अगर आँख में चला गया है तो आपको पहले गरम गरम यानी जलन सी महसूस होगी उस जगह पर, फिर उसमें कुछ 1-4 या 5 घंटे बाद पानी का रिसाव चालू हो जाएगा, रिसाव चालू होने के बाद आंख लाल होगी, फिर पानी बिल्कुल बहना चालू हो जाएगा। अगर आपने 2 या 3 दिन का टाइम लिया और गोल सर्कल आपको दिखाई देगा बल्ब सूरज और चांद किसी को भी देखने पर, और ज़्यादा देर होशियारी दिखाई यानी ज़्यादातर मैं ग्रामीण जो मक्खी चूस लोग होते हैं मैंने देखे हैं वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं कराते हैं, तो उनकी आँख जा सकती है यानी पूरी तरीके से खराब हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।